Good morning students, yesterday we will learn Ladakh and today we will learn about Kerala. आज हम केरल के बारे में जानेंगे. केरल जो है वो भारत के साउथ में, इंडिया के हमारे साउथ में स्थित है. और ये जगह जो है वो मसालों के लिए, जैसे काली मिर्च होती है, लौंग होती है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है. ये जो रीज़न है ये हमेशा से ही जो ट्रेडर्स होते हैं उनके आकर्षण का केंद्र रहा है, यानी कि वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहे हैं. जीविश यानी कि यहूदी और जो अरब ट्रेडर्स हैं सबसे पहले यहाँ पर आए. और यह माना जाता है कि ये क्रिस सेंट थॉमस यहाँ लगभग 2000 ईयर्स अगो आए थे. उन्होंने ही यहाँ पर ईसाई धर्म को भारत में लाया था. इसी प्रकार जो अरब के ट्रेडर्स थे इन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, है ना. वास्को डी गामा ने यूरोप और जो इंडिया है उसके मिडिल में जो सी रूट की खोज की थी, यानी कि उसे डिस्कवर्ड किया था. इन कारणों से जो केरल के लोग यानी कि जुडिज्म या यहूदी धर्म या ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म, बुद्धिज्म जैसे जो विभिन्न धर्म हैं उनका पालन करते हुए मिलते हैं. इस क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले जो फिशिंग नेट है, यानी कि मछली पकड़ने का जो नेट है, उसका जो डिज़ाइन है वो कहते हैं वो चाइना के जो फिशिंग नेट होता है उसके जैसे देखने में लगता है. और इन फिशिंग नेट को चीना वाला के नाम से जाना जाता है या उसे कहते हैं. यहाँ के लोग तलने के लिए यानी कि इसको फ्राई करने के लिए जो बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं. इसे चना चट्टी के नाम से जाना जाता है. जो लोग वो बर्तन जिस फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें चना चट्टी के नाम से जाना जाता है, चना चट्टी कहते हैं. ये विश्वास भी किया जाता है कि जो चीन है वहाँ से ही चाइना शब्द आया है. और ये सभी जो भी हमने अभी पढ़े वो इसी उसकी तरफ इंडिकेट करते हैं कि चीन के साथ हमारे पुराने व्यापारिक संबंध की ओर इशारा करते हैं. यहाँ की जो लैंड है और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो राइस की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. और यहाँ के लोग राइस है, फिश है और वेजिटेबल्स हैं वो सब खाते हैं.